ओवर द लास्ट 5 ईयर्स कांग्रेस छोड़ छोड़ के बीजेपी में चले गए। इस देश के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में ऐसा एग्जाम्पल नहीं होगा कि किसी एक पार्टी ने 17 चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ शुरू किया, 17 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से कांग्रेस में 5 साल में सिर्फ 2 रह गए, ऐसे बनी बीजेपी की सरकार। इसलिए आज बीजेपी को पता है कि कांग्रेस के सारे कैंडिडेट, कांग्रेस के सारे विनिंग कैंडिडेट एमएलए बिकने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए इस बार 2022 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने एक नई स्ट्रैटेजी निकाली है। उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी निकाली है? उन्होंने अपने ही लोगों को कांग्रेस में भेजकर कांग्रेस से टिकट दिलवाई है। आज बीजेपी ऐसे कैंडिडेट्स के चुनाव को फंड कर रही है और उन्होंने ये आपसी डील कर ली है, आपसी सेटिंग कर ली है कि जैसे ही कांग्रेस के ये कैंडिडेट्स जीत कर आएंगे वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाएंगे और बीजेपी की सरकार बनवा देंगे।